अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई प्रेस अपडेट के साथ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कैसे करें सटीक रणनीति के साथ। अब कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़े लास्ट समय में, ये तो गलती बिल्कुल ना करें, इसके बारे में आपको पूरा तो मोटिवेशनल बताया जाएगा। और इसी के साथ 60 दिनों की वो रणनीति आपको लेकर चलना होगा, जिससे आपकी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम आसानी से पास की जाए और आपकी एक पोस्ट हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की, वो तैयारी तो कैसे करें। बहुत सारे दोस्त अब ये तो बड़ी गलती कर रहे हैं कि वे या तो कोई ऑनलाइन या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो। अगर ऑनलाइन वह ले रहे हो तो अभी तक तो ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी बहुत सारे दोस्त अभी ऑफलाइन कोचिंग करें, तो मेरे हिसाब से दोस्तों अब आपको ऑफलाइन वो कोचिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑफलाइन वो कोचिंग करोगे तो फिर सेल्फ स्टडी वो कैसे करोगे, यानी कि सेल्फ स्टडी का आपके पास समय नहीं मिलेगा। और अगर आपको तो परीक्षा में पास होना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी वो करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा तो मॉडल पेपर मिलाने होंगे। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे भी है जो बहुत सारे दिन तो पढ़ते ही रहते हैं और वे ये मिस्टेक कर देते हैं कि वे मॉडल पेपर नहीं मिलाते। क्योंकि दोस्तों अगर आप तो मॉडल पेपर नहीं मिला हो के तो आपको अपनी वो तैयारी जांचने का वो समय कैसे मिलेगा, जो आप एग्ज़ाम के अंदर बड़ी बड़ी मिस्टेक वो करते हो और जो आपका बहुत टाइम मैनेजमेंट तो एक्यूरेसी ये सब आपकी तो मॉडल पेपर यानी कि तो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आपको पता चलेगी। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा तो मॉडल पेपर यानी कि आप एग्ज़ाम से तो पहले 30 से 40 तो मॉडल पेपर ज़रूर तो मिले, ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर 100% आपकी एक्यूरेसी वो सुधारने का तो मौका भी मिल जाएगा और आप एग्ज़ाम के अंदर जो तो मिस्टेक होती है आपकी वह एग्ज़ाम के अंदर वह नहीं होगी। इसलिए आप वो 30 से 40 तो मॉडल पेपर ज़रूर मिले। इसके बाद में तो बात करते हैं लास्ट समय में ये गलती बिल्कुल ना करें। लास्ट समय में अपनी नींद भी ऐसी तरीके से लीजिए, वो डाइट भी ऐसी तरीके से लीजिए, ताकि आपका वो शरीर तो मैनेजमेंट रहे। क्योंकि दोस्तों वो लास्ट के वो समय में अगर आप वो सही समय से वो नींद नहीं लोगे और अगर वो डाइट वो सही तरीके से नहीं लोगे तो दोस्तों हम वो छोटे छोटे वो लक्षण में आप तो बीमार भी पड़ सकते हो। इसलिए वो नींद भी तो वो समय के साथ बहुत ज़रूरी है और ऐसी वो डाइट भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अब कौन कौन से वो टॉपिक पढ़े, सबसे पहले आपको वो टॉपिक साधने होंगे जो आपके तो एग्ज़ाम के अंदर तो मैक्सिमम तो मार्क्स के होते हैं, यानी कि मान के चलिए कि रीजनिंग और तो कंप्यूटर ये दो ऐसे टॉपिक है जो कि 60 अंकों के और इनमें से 60 में से 60 भी लाया जा सकता है। तो आप ज़्यादा समय रीजनिंग और वो कंप्यूटर को दीजिए। इसके बाद तो महिला हूँ तो बाल अपराध वो 10 अंकों का वो टॉपिक है और वो छोटा सा सिलेबस है, इसके अंदर भी आप वो 10 में से 10 यानी कि वो टोटल वो 70 अंक आप इसमें वो 70 में से वो 70 भी ला सकते हो। इसके अलावा राजस्थान जीके है वो आपका तो 45 अंकों का है, तो वो भी आप अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद करंट अफेयर्स तो मेंस रोल है वो आपका तो करंट अफेयर्स का रहेगा, क्योंकि दोस्तों वो करंट अफेयर्स के 8 से 10 सवाल आएंगे जो कि आपको एग्ज़ाम की तो मेरिट भी वही डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए तो करंट अफेयर्स की एक तो वार्षिक अंक या तो अर्धवार्षिक की तो मुमल की बुक आती है वो ज़रूर लेके आए। इसके बाद तो भारत का इतिहास आपको तो वैसी से वह नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से आप जैसे तो वैदिक वो सभ्यता हो गई इसके अंदर वो जैन धर्म तो बौद्ध धर्म ये ज़रूर पढ़े। इसके बाद हो गई आपकी वो साइंस, तो वो साइंस ही आपको वो सामान्य सी वो साइंस पढ़नी होगी। ये सभी टॉपिक तो पढ़ के आप तो आराम से वो 150 में से यानी कि 150 अंक में से कम आप 130 का वो टारगेट वो ज़रूर रखें, ताकि आपका तो फाइनल भी सिलेक्शन हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।